रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जलगांव के पाचोरा में सभा हुई। इस सभा में उद्धव ठाकरे किसानों के मुद्दों को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार पर आरोप लगाए। ठाकरे ने लगाए आरोपों का खंडन करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े ने कहा कि उद्धव ठाकरे को झूठ बोलने की आदत हो गई है। ऐसा हाथ ऊपर कर करके बोल रहे थे कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, 26 साल के बच्चे ने आत्महत्या की है, नहीं होनी चाहिए आत्महत्या, कोई समर्थन नहीं करता है। लेकिन आपने कल ये क्यों नहीं सोचा कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल मुख्यमंत्री होने के बाद जब अपन पोस्ट पे रहते नहीं है तब हमारी जवाबदारी खत्म नहीं होती है, हमारी संवेदना किसान के साथ है ना, किसान के साथ होती है। तो आपकी ये जवाबदारी नहीं थी। जलगांव में अगर आत्महत्या हुई है तो 50 लाख के दिवाली जैसे आतिशबाजी आपने की, 50 लाख के फटाके फोड़े आपने कल, और वो 50 लाख वो परिवार को दे देते जिस परिवार में आत्महत्या हुई पार्टी की तरफ से। ये जवाबदारी आपकी नहीं है। आप कहते हैं कि जनता मर रही है, किसान आंख में आंसू है, सरकार की जवाबदारी सरकार करेगी। सरकार ने तो इतना किया है कि पीक युमा योजना में उद्धव जी आपने 1 रुपया भी लोगों को नहीं दिया, उल्टे 4,000 करोड़ रुपए कंपनी ने खा लिए, पीक कंपनी ने, आपने कंपनी को पैसा दिया है, आप माहिती अधिकार में निकालिए। उद्धव जी आपके कार्यकाल के 2.5 साल के पैसे देवेंद्र जी और एकनाथ जी ने किसानों को दिए हैं, देख लीजिए। 50,000 रुपये आपने डिक्लेयर किए था किसानों को देने के, वो भी एक सरकार ने दिए, जरा एक बार देख लीजिए। ये लोगों को पूछते हैं बराबर है क्या नहीं है, बराबर है क्या नहीं है, कुछ लोग बोलते नहीं नीचे से, ये बोलते हैं बराबर है क्या नहीं है, अरे दिए नहीं ना। वो देवेंद्र जी एकनाथ जी है कि NDRF से ज़्यादा आपको 2 टाइम की मदद कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये प्रकार कौन सी संवेदनशीलता है कि बारिश हो रही है, किसान के आंख में आंसू है और आप दिवाली मना रहे हो पाचोरा में जाके, ये कौन सी संवेदना है, इसको संवेदना कहते हैं? 50 लाख के फटाके फोड़े आपने कल, तो ये कोई संवेदना नहीं है।